कि कल भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, और आप जानते हैं भगवान राम के लिए तो आज से नहीं, त्रेता से ही ये कहा जाता है कि घट घट में राम बसते हैं, कण कण में राम, और बिना राम के इस देश अधूरा है और ये पूरी दुनिया अधूरी है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान राम, जो सबका कल्याण करते हैं, जो सबका भला करते हैं, ऐसे हैं भगवान। और राम को लेकर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हम सब प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमें ये अधिकार ही नहीं। भगवान राम तो हमेशा से है, सदियों से है। भगवान राम के लिए इस तरह की बात करना कि 500 बरस के बाद राम लौट रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है वो पाप का रास्ता अपनाता है, क्योंकि भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। जो कुछ हुआ है भगवान राम की मर्जी से, हमको जीवन मिला है, ये ब्रह्मांड बना, तो राम तो कभी कहीं गए ही नहीं थे, राम तो यहीं पर है। हमारा जीवन आता जाता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन राम की कृपा हमेशा रहती है। ऐसे में इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। कल भगवान राम के नाम पर कोई भी काम हो, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे राजस्थान में कांग्रेस परिवार में बड़ी खुशी है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की इस देश में, दुनिया में सब ज्यादा संख्या है। सनातन वो है जब सबको प्यार और प्रेम करता है, सबको सच्चाई का अच्छाई का रास्ता दिखाता है, जो इंसानियत के लिए काम करता है, वही सनातन धर्म। ऐसे में सब लोग भगवान राम की रोज आरती करते हैं, सब लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। हमें भी इस बात की खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के मंदिर की हो रही है। बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने वॉर किया कि 22 तारीख को कांग्रेस के लोग वहां जाना नहीं चाहते। कांग्रेस के लोग, मैं शुरू से कह रहा हूं, जाना चाहते हैं, मैं खुद भी जाना चाहता था, लेकिन 22 तारीख तक आपने ये कर दिया, घोषणा कर दी केंद्र की भाजपा सरकार ने और यूपी की भाजपा सरकार ने कि 22 तारीख को वो ही आएगा जिसको हम बुलाएंगे। तो 22 तारीख तक अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हम लोग खुद भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के भक्त हैं। हम सब 22 तारीख के बाद अयोध्या जाएंगे। हमारी इच्छा है 25 तारीख को अयोध्या जाने की, क्योंकि आज सुबह पंडित जी महाराज बैठे हुए थे, हमारे नवल किशोर जी शर्मा बड़े विद्वान पंडित हैं, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को गुरु पक्ष नक्षत्र है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब तो हो रही है, भगवान राम को कभी भी आप प्राण प्रतिष्ठा करो अच्छी मानी जाएगी। तो कल हम सब पूरे राजस्थान में, पहली बात तो ये कि राम को लेकर जो भी आयोजन इस देश में होता है, दुनिया में होता है, उसकी खुशी कांग्रेस परिवार को,